जाने माने एक्टर मिथिलेश चतुर्वेदी का दिल की बीमारी के चलते निधन हो गया है। खबरों के मुताबिक उन्होंने 3 अगस्त की शाम को लखनऊ में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से हार्ट संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ समय पहले मिथिलेश चतुर्वेदी को हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद वो होम टाउन लखनऊ शिफ्ट हो गए ताकि सेहत की देखभाल हो सके, लेकिन 3 अगस्त को रात को उनका स्वर्गवास हो गया। मिथिलेश के दामाद आशीष चतुर्वेदी ने सोशल मीडिया पर इस खबर की पुष्टि की है। मिथिलेश चतुर्वेदी कई सालों से एंटरटेनमेंट जगत से जुड़े रहे हैं। उन्होंने साल 1997 में फिल्म भाई भाई से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इसके बाद उन्होंने ऋतिक रोशन के साथ कोई मिल गया, सनी देओल के साथ गदर एक प्रेम कथा, सत्या, बंटी और बबली, क्रिश, ताल, रेडी, अशोका और फिजा सहित कई अन्य बॉलीवुड फिल्मों में काम किया। इसके अलावा उन्होंने वेब सीरीज स्कैम 1992 द हंसल मेहता स्टोरी में भी काम किया था, जहां उन्होंने राम जेठमलानी की भूमिका निभाई थी। उन्हें कई विज्ञापनों और टीवी शोज जैसे पटियाला बेब्स में भी काम मिला। उनकी आखिरी फिल्म अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना के साथ गुलाबो सिताबो थी। तो दोस्तों, आप कॉमेंट बॉक्स में RIP लिख मिथिलेश चतुर्वेदी को श्रद्धांजलि जरूर दें।